अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मसाले वाली कलेजी, वो भी बिना ग्राइंड किए हुए मसाले से। तो चलते फटाफट स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। 500 ग्राम हमने बकरे की कलेजी ले ली है। अब इस तो हमने यहाँ पे खन्नी ले लिए है। आज हम ग्राइंड किया हुआ मसाले कलेजी में नहीं डालेंगे, बल्कि हम हाथों से कुटा हुआ मसाले डालेंगे। तो चलते फटाफट से हम खन्ने में मसाले डाल देते हैं। एक चम्मच जीरा, आधी चम्मच काली मिर्च। अब इसे हम कूट लेते हैं, थोड़ा बारीक सा कर लेते हैं पहले। तो हमने बारीक सा गूंद लिया है इसे, बारीक सा हमने पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च। तीखा स्पाइसी आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हो। 10-12 हमने लहसुन के कली, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। तो इसे भी कूट लेते हैं अच्छे से। तो हमने कूट लिया है, हमें ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, बस दरदरा सा कूटना है। आप इस मसाले के तरह कूट कर कलेजी बनाकर या मटन बनाकर खाइएगा, तो आप ग्राइंड का पिसा हुआ मसाले का कलेजी या मटन बनाकर खाने भूल जाओगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा। आप देख, तो चलते हैं फटाफट से हम कलेजी के अंदर मसाले को डाल देते हैं। पैन में हम डाल देते हैं कलेजी का। अब इसमें हम डाल देते हैं जो मसाले हमने कूटे थे, वो डाल देते हैं। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत लाजवाब बनता है। आप गरम मसाला भी खाना भूल जाओगे अगर इस तरह बनाओगे तो। डाल देते स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच तेल, 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अब इसे अच्छे से मिला देते हैं। हाथ से मिलाइएगा तो ज़्यादा स्वाद आएगा, चम्मच से तो हम हमेशा मिलाते रहते हैं, तो आप कभी कभी हाथ से भी मिला लीजिएगा, क्योंकि हाथ में जो जायका और स्वाद होता है, कभी कभी आप देखिएगा हाथ में जो स्वाद होता है वो चम्मच में स्वाद नहीं होता है। तो आप हाथ से मिला लीजिएगा। अगर आपको हाथ से पसंद नहीं है या हाथ में जलन ऐसा कुछ भी का डर हो, तब चम्मच से मिला सकते हो। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो पानी डाल देते हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आधा गिलास जैसा हमने पानी डाला है, क्योंकि हमने प्याज ऐसा सब कच्चा डाला है तो गलने में थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। अब इसे हम ढक्कन से कवर कर देते हैं और गैस के ऊपर रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आँच पर, ताकि अच्छे से धीरे धीरे कुक हो जाए हमारे कलेजी और सभी मसाले। इसके ऊपर हमने रख दिया 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए। तो चल 10 मिनट के बाद मिलते हैं। मीडियम आंच पर रखिएगा, नहीं तो जलने का डर होता है। धीरे धीरे कुक होने दीजिएगा अच्छे से, ताकि सभी मसाले अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट हो गए, हम ढक्कन खोल कर देख लेते हैं हमारे कलेजी अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। तो अच्छे से कुक हो गए हमारे प्याज, सभी मसाले अच्छे से गल गए। और जो ये थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ऐसे, ये लहसुन है, तो लहसुन को इसी तरह दिखना चाहिए इसमें, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कलेजी बनाते ही टाइम इतनी खुशबू, पूरे घर में खुशबू हो गई है कि इतनी स्वादिष्ट कलेजी बनी है। आपने तो गर्म मसाले वाले प्याज लाल किए हुए कलेजी हर तरह के बनाकर खाए होंगे, इस तरह तो आपने कभी नहीं खाया होगा। तो इसे ट्राई कीजिएगा प्लीज़, बहुत अच्छा बनता है। आप इसे नान या पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। तो चलते फटाफट से इसमें थोड़ा सा कोथमीर डाल देते हैं। अब इसमें हम कोथमीर डाल दे रहे, अच्छे से मिला देते हैं। तो तैयार हो गया है हमारा कलेजी, मसाला। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इससे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा बनता है। गरम मसाले वाले भी आपने कलेजी खाए होंगे, ये बिना गरम मसाले का है। आप गरम मसाले वाले को भी फेल कर देंगे, इतना लाजवाब और इतना स्वादिष्ट बना है। तो चलते फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं।
हट 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 हट